भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी दो सबसे बेहतरीन गाड़ियों का प्रोडक्शन बहुत जल्द बंद कर सकती है। जी हां, यहां की सड़कों पर जलवा बिखेरने वाली इन दो गाड़ियों को शायद आने वाले समय में हम ना देख पाए। बता दें कि ये कारें कोई और नहीं बल्कि ऑल्टो और वैगनार है। इन गाड़ियों का भारत में क्या महत्व है, इस बात से बच्चा बच्चा वाकिफ है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये गाड़ियां किसी वरदान से कम नहीं। कम दाम और लो मेंटेनेंस इन गाड़ियों की हमेशा से यूएसपी रही है। बीते एक दशक से इन गाड़ियों का जलवा बरकरार रहा है। मारुति की टॉप सेलिंग कारों में आधी से ज्यादा कारें ऑल्टो और वैगनार ही रहती हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है तो मारुति सुजुकी ऐसा क्यों करेगी। तो बता दें, सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में कार सेफ्टी को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6 एयरबैग्स को अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है और यही वजह है कि मारुति भी सरकार की इन नीतियों से परेशान होकर ऐसा करने जा रही है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव ने खुद इस बात की जानकारी दी। सरकारी नीतियों के दखल के चलते छोटी कारें अव्यवहारिक हो जाती हैं, तो उन्हें बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सरकार के इस कदम से कारों की कीमतें बढ़ जाएंगी और ऐसा भी हो सकता है कि इससे कार दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर भी कोई असर ना पड़े। मारुति सुजुकी इससे पहले भी कई मौकों पर दोहरा चुकी है कि 6 एयरबैग अनिवार्य किए जाने पर छोटी कारें प्रॉफिट देने लायक नहीं रह जाएंगी और ऐसे में इन कारों का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा। इससे पहले नितिन गडकरी ने भी कार कंपनियों को लेकर कई बातें कही थी। उनका कहना था कि कार कंपनियां दोहरा रवैया अपना रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, ऐसे में सड़कों को सुरक्षित बनाना भी बहुत जरूरी है और एयरबैग्स को अनिवार्य करने का फैसला लोगों की जान बचाने के लिए है। लेकिन इसके बाद भी कुछ कार कंपनियां इस फैसले का विरोध कर रही है। आपको बता दें, देश में हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की जाने जाती है और ऐसे में सरकार का 6 एयरबैग्स अनिवार्य करने का फैसला सही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कम दाम वाली गाड़ियां अगर ऐसा करती हैं तो शायद उनके लिए प्रॉफिट बनाना कुछ हद तक मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में ये देखना होगा कि मारुति, जो कि सस्ती और ड्यूरेबल गाड़ियां बनाने में माहिर है, वो करती क्या है।